कर दो। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है नितिन और मैं हूँ एक ओटी टेक्नीशियन, जो कि आज मेरे फ्रेंड को मैंने इनवाइट किया अपनी वीडियो में, जो कि आपको आज रेडियोलॉजी के ऊपर इन्फॉर्मेशन देने आएंगे। तो अभी इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, देन इनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे इस कोर्स के रिगार्डिंग। मेरा नाम तुषार रावत है, मैं हूँ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। मेरे दोस्त ने मुझे इन्वाइट कराया है रेडियोलॉजिस्ट के बारे में बताने के लिए, तो मैं आपको रेडियोलॉजिस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अभी मेरा फ्रेंड थोड़ा सा हो रहा है नर्वस, क्योंकि कैमरे के सामने फर्स्ट टाइम आया है, तो इसे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। तो बाकी कोई नहीं, तो आज मैं इनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वो भी ओटी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग में। तो इसमें मैं इसको सारी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कैसे करें, और साथ में ही रेडियोलॉजी अगर टेक्नीशियन कोई बनना चाहता है तो उसके कोर्स के लिए कैसे करें, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, फीस कितनी लगती है, और काफी सारी इन्फॉर्मेशन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के ऊपर। क्योंकि ओटी टेक्नीशियन और नर्सिंग टेक्नीशियन के ऊपर मैंने आपको बीएससी नर्सिंग के ऊपर काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो कई लोगों की डिमांड थी कि अगर रेडियोलॉजी करना चाहिए, रेडियोलॉजी में कैसा स्कोप है, तो आज मैंने इनको बुलाया है, इन्वाइट कराया अपनी वीडियो में। और ये आज आपको लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं तुषार से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसे रेडियोलॉजी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुषार, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा रेडियोलॉजी कोर्स करके? मेरे को बहुत अच्छा लगा है करके, क्या होता है हर कोर्स के जो है अलग अलग बेनिफिट होते हैं, जैसे कि रेडियोलॉजिस्ट हो गया या फिर नर्सिंग का हो गया या फिर ओटी का हो गया, सब में अलग अलग बेनिफिट है। तो क्या बोलते हैं, अगर एक्सरे का माना जाए तो वो मेन होता है, क्योंकि हर कोई जब भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे वो बोलता है कि एक्सरे जरूर कराओ जी, क्योंकि कोई भी क्या बोलते हैं कोई भी ओटी होनी होती है, तो मतलब हर चीज से पहले आप लोगों की नीड पड़ती है। मेनली हॉस्पिटल में अगर हम गए हैं तो एक्सरे मतलब एक तरह से मैंडेटरी और कंपलसरी हो ही जाता है, क्योंकि मोस्टली अगर चेस्ट का इन्फेक्शन पता लगाना हो तो एक्सरे के थ्रू ही पता लगेगा, किसी बोन ब्रेक का कुछ पता लगाना हो तो एक्सरे के थ्रू ही पता लगेगा। आपके कहने का मतलब ये है, थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है तो इसलिए मैं आपकी बात को काट के अपनी बात बता रहा हूँ पूरी आपकी, क्या आप कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि अच्छा मुझे बताओ कि जैसे अगर कोई रेडियोलॉजी टेक्नीशियन करना चाहता है तो उसके लिए मतलब उसको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और मोस्टली उसकी कितने फीस चार्जेस लगती है? जैसे हमारा ओटी का, हम ओटी करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स मेनली 50,000 समथिंग 50,000 के करीब हो जाता है, और अगर वही अगर हम डिप्लोमा कोर्स करें तो 1 लाख समथिंग के अराउंड होता है, और डिग्री के लिए 2 लाख। तो वैसे ही सेम रेडियोलॉजी में अगर कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है तो उसके चार्जेस कितने लगते हैं? जैसे कि मतलब इसमें ये होता है कहते हैं कि हम 12th पास के बाद भी कर सकते हैं। अच्छा, 12th पास में कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए? आर्ट्स भी हो सकती है, साइंस मतलब सबसे मेन क्वेश्चन होता है मेनली, क्योंकि काफी सारे लोगों का होता है कि आर्ट्स से हम कर सकते हैं, तो मेनली आपका कहना है हाँ हम आर्ट्स से कर सकते हैं। तो अच्छा, आर्ट्स से हम डिग्री कर सकते हैं क्या रेडियोलॉजी में? नहीं, उसमें क्या होता है वो साइंस से ही होती है। अच्छा, डिग्री मतलब साइंस होगी और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स सेम, इसका मतलब ओटी वाला प्रोसीजर है। मतलब एक तरह से यही है कि सारे पैरामेडिकल कोर्स लगभग सेम ही होते हैं। मतलब अगर हमें इसका सर्टिफिकेट और डिप्लोमा करना है तो हम आर्ट साइड से भी कर सकते हैं, और वहीं इसकी डिग्री करनी है तो हमें मतलब कि साइंस की और पीसीबी हमारे पास होनी चाहिए। ओके, तो सेम लाइक ओटी है, जैसे ओटी में हमारे जो मैंने आपको बताया था कि अगर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो तो आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम्स आप नॉर्मली कर सकते हो, बट अगर डिग्री करना चाहते हो तो पीसीबी आपके पास होनी चाहिए, तो सेम इसकी भी है। तो अच्छा, अगर हम फीस की बात करें तो अगर इसका सर्टिफिकेट कोर्स अगर कोई करना चाहे तो उसकी अराउंड कितनी फीस हो जाती है? सर्टिफिकेट में मान के चलो 60 to 80 के बीच में हो जाती है। 50, 60 to 80 मतलब सारे कॉलेज का एक तो अलग अलग होता है, तो इसलिए जो भी है हम फीस एकदम नॉर्मल करेक्ट हम नहीं बता सकते, क्योंकि देखो एक कॉलेजेस के एरियाज पे और कॉलेजेस कहाँ पे है, लोकेटेड है, किस तरह की उसमें फैसिलिटीज है, तो वहाँ की फीस भी सारे कॉलेजों की अलग होती है। तो इसलिए हम आपको फीस एकदम कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि 1 लाख फीस बताई थी बट वो तो 1.5 लाख ले रहे हैं, 2 लाख, तो देखो फीस का हम कंफर्म नहीं कर सकते। हम एक बेसिक और एक अराउंड फीस बताते हैं कि इतनी होती है, राइट। अच्छा, अगर इसमें डिग्री करना चाहे तो उसका कितना चार्ज है? 1 लाख से ऊपर, मतलब 1 लाख से अब अभी जाता है इसका मैक्सिमम। अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लो आप हॉस्पिटल में जॉब करते हो तो आपको मतलब मेन वर्क आपका क्या होता है? जैसे मेरा ओटी में है, मेरे को होता है कि पेशेंट जब आया मेरे पास या पेशेंट की सर्जरी चल रही तो उसको मेडिकेशन देना, उसका मतलब कि एक तरह से ट्रीटमेंट करना कि कैसे उसको मतलब केयर करना, एक तरह से उसका मेरा मेन वर्क होता है, उसके पेशेंट की पूरी केयर करना, उसको टाइम पे मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराना और एक सर्जरी परफॉर्म करना। तो मेनली आपका क्या वर्क होता है? जैसे आप एक्सरे में ये होता है करते कि जो पेशेंट आया है हाँ, उसके हम सही से उसकी केयर करें और क्या होता है उसका एक्सरे करें ढंग से, मतलब उसको आप एक तरह से उसकी एक्सरे की फिल्म उसको प्रोवाइड कराते हो, मतलब एक्सरे आप लोग ही करते हो? मतलब जो रेडियोलॉजी टेक्नीशियन होता है वही करता है एक्सरे, अच्छा, तो जो रेडियोलॉजिस्ट होता है, मींस रेडियोलॉजिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर होता है, वो क्या करता है? वो उसको रिपोर्ट को चेक करता है, रिपोर्ट बनाता है उसकी। अच्छा, वो उसकी रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट आप लोग नहीं बनाते? आप मींस उसकी पोजीशन बनाते हो कि किस पोजीशन का होना है, कैसे होना है, किस एरिया का होना है, और उस एरिया को आप कैप्चर करते हो। ये आपका सिर्फ एक्सरे नहीं आता, सीटी भी आता है, एमआरआई भी आता है। ये आपने काफी अच्छा पॉइंट बताया मुझे कि रेडियोलॉजी अगर टेक्नीशियन हम करते हैं तो उसके बाद सीटी स्कैन भी हम कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एमआरआई हो गया, एमआरआई वगैरह हो सकते हैं, डेक्सा हो सकते हैं। ये काफी सारे पॉइंट है। अब अगर आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन करते हैं तो आप 4-5 फील्ड की जॉब्स आप कर सकते हो, मतलब मेनली जैसे आपने रेडियोलॉजी करा तो आप एमआरआई में भी जा सकते हो, सीटी में भी जा सकते हो। ये तो यही एक सबसे बेस्ट और बेनिफिट पॉइंट जो कि आपको मिलने वाला है रेडियोलॉजी कोर्स करने के बाद, कि आप सीटी में भी जा सकते हो, एमआरआई में भी जा सकते हो। तो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे इसका लगा है रेडियोलॉजी का कोर्स करने का, तो इसमें ये काफी अच्छा बेनिफिट है। और फीस तो अराउंड ओटी जैसी है, और ओटी के तो मैंने आपको काफी सारे वर्क बता ही रखे हैं, तो आपको और क्या बताऊं इस वीडियो में। और कुछ क्वेश्चंस आप मुझे कुछ रेडियोलॉजी वगैरह के बारे में कुछ अच्छा सी एक जैसे आपने बताया कि आप ये कोर्स करते हो, और कुछ पॉइंट आपके माइंड में जो आप मुझे बता सकते हो या कुछ समथिंग। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है तुषार, मान लो जैसे कि आपने बताया एक्सरे तो आप करते हो, एक्सरे डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, तो मेनली जैसे मान लो अब हमारा ओटी डिपार्टमेंट है, वहां पे कोई पेशेंट आया और हमें इमरजेंसी नीड हो गई किसी एक्सरे की, तो आप लोग अगर हम आप लोगों को कॉल करें तो आप लोग आते हो एक्सरे करने, जैसे ओटी में या आईसीयू में, या कोई बेड पेशेंट है तो बेड पेशेंट के लिए हम हर हॉस्पिटल में पोर्टेबल मशीन जरूर होती है। अच्छा, क्योंकि क्या होता है, अगर कोई पेशेंट होता है वो बेड पेशेंट होता है, वो कभी क्या होता है इधर से उधर तो जा नहीं सकता, इसलिए हम पोर्टेबल जो मशीन होती है उसी काम आती है, जिससे कि उसका एक्सरे हो सके, चाहे चेस्ट हो या लेग का हो या फिर मतलब किसी भी बॉडी पार्ट्स का एक्सरे होता है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है, लाइक जैसे मतलब एक्सरे सारे बॉडी पार्ट का ऑलमोस्ट हो जाता है, कोई ऐसा पार्ट जिसका एक्सरे ना होता हो? नहीं, ऐसा तो नहीं। हेड का भी हो जाता है। अच्छा, होता है। अच्छा, तो मतलब एक्सरे। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मुझे बताओ कि इसमें जॉब्स वगैरह मिलती इजीली है नहीं, क्योंकि सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्सक्राइबर्स का और वीडियोस जो देखते हैं उनका सबसे मोस्टली यही क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे बताओ कि इसमें स्कोप कैसा लाइक? जॉब तो है। अच्छा, ये है कि मेहनत पे डिपेंड करता है, जॉब तो जरूर मिलेगी पर मेहनत पे डिपेंड है, मतलब पर्सन की लगन पे, मेहनत पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से मेहनत कर रहा है और किस तरह से उसको जॉब्स वगैरह मिलती है। अच्छा, तो मुझे बताओ नॉर्मल स्टार्टिंग सैलरी वगैरह कितनी होती है, बेसिक जो सैलरी होती है? बेसिक सैलरी तो ये होती है कि 10 to 15 तक होती है। अच्छा, 10 to 15 होती है बेसिक सैलरी, और मतलब फिर इंक्रीज होती रहती है? ये इंक्रीज होती रहती है, जैसे कि यहाँ पे तो नहीं पर जब बाहर जाते हैं। अच्छा, आउट ऑफ स्टेट में क्या होते हैं, इनकी जो सैलरी होती है रेडियोलॉजिस्ट की वो 1 लाख से अबव से स्टार्ट हो जाती है, 50 to 80 या 1 लाख अराउंड हो ही जाती है। अच्छा, एक मेन क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया कि इस कोर्स को करके हम आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं? जा सकते हैं। जैसे नर्सिंग है, ये ओटी है, काफी सारे कोर्सेज को करके हम आउट ऑफ कंट्री जाने के चांसेस हमारे पास बहुत सारे हैं, तो क्या रेडियोलॉजी करके हम जा सकते हैं? पर उसके लिए हमारे पास डिग्री भी होनी चाहिए। अच्छा, डिग्री मेन डिग्री मांगते हैं। ओके, तो आउट ऑफ कंट्री जाना है तो डिग्री करनी पड़ेगी, डिप्लोमा मत करना, आर्ट्स मत लेना, साइंस लेना अगर आपको आउट ऑफ कंट्री जाना है तो। साइंस लेना मस्ट है, साइंस लीजिए। साइंस वैसे भी अगर हम डिप्लोमा और कॉमर्स साइड से जाते हैं मेडिकल लाइन तो काफी सारी हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है ना। अच्छा, इसमें जो है मेन जो वर्क है, हमें क्या चीजें हमें पढ़नी पड़ती है मेनली? जैसे जैसे कि पोजीशन हो गई। अच्छा, पोजीशनिंग हो गई, एनाटॉमी हो गई, फिजिक्स हो गई। अच्छा, इसकी मतलब कि मेजरमेंट की कितना साइज है, क्या एंगल बन रहा है बॉडी का, हमें क्या बोलते हैं रेडिएशन के बारे में पढ़ना होता है, और क्या बोलते हैं जो डोजेज होती है उनके बारे में भी पढ़ना ही होता है। अच्छा, मतलब मुझे इस कोर्स को करने के लिए भी काफी सारी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब यही नहीं कि बंदा गया और खड़ा करा एक्सरे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे काफी लोग सोचते हैं कि हम गए और हमने खड़ा करा और एक्सरे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। काफी मतलब हमें चीजें की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक पोजिशनिंग, एंगल क्या बन रहा है, और एनाटॉमी हमें वाइट। अच्छा, एक चीज और मेन बात इसमें ये होती है कि प्रोटेक्शन मस्ट होती है, अपनी प्रोटेक्शन अपनी जरूरी होती है। अच्छा, ये जो होती है रेडिएशन होती है, क्योंकि एक्सरे होता है काफी सारी रेडिएशन वगैरह छोड़ता है, तो आप लोगों को उससे कुछ साइड इफेक्ट या कुछ प्रॉब्लम, अभी तक आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी? आप इतने टाइम से काम कर रहे हो तो अगर आपको कुछ लगा ऐसा कि हाँ मेरे को तो ये रेडिएशन से ये प्रॉब्लम हुई, या स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग न्यू गए थे आपको तब कोई प्रॉब्लम? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, पर ये बाद में होता है, इसमें क्या होते हैं बाद में देखा जाता है। अच्छा, चांसेस क्या होते हैं इसमें? चांसेस ये होते हैं कैंसर का होता है। अच्छा, ये होता है कि जो हमारा टीएलडी बैच होता है ना, हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि जो है एक्सरे में हमारे रेडिएशन जो है मस्ट होती है, सेफ्टी मस्ट होती है, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी जो है क्या होता है चीजें दी जाती है, जैसे कि लाइट एप्रन हो गया, या फिर हम जब कहीं एक्सरे करेंगे तो उसके सामने से जो है लाइट ग्लास होना जरूरी है, वो क्या होता है हमें रेडिएशन से बचाता है। तो और इसके लिए हमें एक और चीज दी जाती है जिसको हम टीएलडी बैच कहते हैं, वो जो होता है हमारे जो रेडिएशन होता है उसको मॉनिटरिंग करने का काम करता है। अच्छा, मतलब कि जब आप एक्सरे वगैरह कुछ करते हो तो आपको लेड एप्रन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मतलब आपको रेडिएशन से, एक्सरे के हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, यही आप कहना चाहते हैं। तो मतलब कि जैसे एक्सरे हम कर रहे हैं तो उसमें काफी सारी हार्मफुल डिजीज होती है, जैसे आपने कई बार पढ़ा भी होगा कि एक्सरे के रूम के बाहर लिखा होता है कि प्रेग्नेंट लेडी या प्रेग्नेंट वुमेन अंदर अलाउड नहीं है, कि वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि क्या होता है कि जो एक्सरे हम कर रहे होते हैं तो वो काफी हार्मफुल रेसिस फेंकता है, तो जिससे क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके बेबी को काफी हार्मफुल उसके लिए होता है वो, और हम लोगों के लिए भी होता है, क्योंकि हम तो देखो हमारा काम क्या होता है कि हमें दिन के 50 से 60 एक्सरे करने, तो हमारे पास दोस्तों तो हमारा कितना रिस्क है, तो इसके लिए हमें काफी सारी प्रोटेक्शन हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि हमें लेड एप्रन मिला जाता है जो कि हमारी हार्मफुल मतलब जो रेसेस है उसको कवर करता है, हमारी बॉडी को हार्मफुल रेसेस से। जो हम एक्सरे जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे सामने फ्रंट में एक ग्लास बनाया जाता है जिसके थ्रू की रेडिएशन आती नहीं है, लेड ग्लास जिसे कहते हैं। और एक टीएलडी बैच हमें हर हॉस्पिटल में एक एक्सरे टेक्नीशियन और एक ओटी टेक्नीशियन को भी एक टीएलडी बैच प्रोवाइड किया जाता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो एक्सरे टेक्नीशियन को तो आपको पता है कि किया ही जाएगा क्योंकि वो रेगुलरली एक्सरे करते हैं, लेकिन ओटी टेक्नीशियन को इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने सुना होगा कि काफी बार ओटी में सीएम मशीन होती है, तो सीएम मशीन होती है वो यूज होती है, जैसे आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होगी तो आपको जरूर पता होगा सीएम मशीन क्या होती है, अगर नहीं देखी होगी तो नहीं पता होगा, क्योंकि सीएम मशीन जो होती है वो करती है लाइव एक्सरे शो करती है, लाइक जैसे हमने बटन क्लिक किया तो लाइव एक्सरे हमें शो जाएगा इस मॉनिटर पे, तो वो भी काफी ज्यादा हार्मफुल रेस पहनती है, तो इसलिए एक ओटी टेक्नीशियन को भी टीएलडी बैच प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू मॉनिटरिंग होती है, जो मेजर करके बताता है कि मतलब इस मंथ आपने इतनी रेडिएशन खा ली, और उस रेडिएशन के बाद जैसे मान लो रेडिएशन की लिमिट मेरे को एक्चुअली पता नहीं है, उसके लिए आई एम सॉरी, रेडिएशन की लिमिट जितनी भी होती है अगर हमने इस मंथ मान लो उससे 1% या 2% या कितने भी नंबरिंग में हमने रेडिएशन ज्यादा खा ली तो उस टेक्नीशियन को हॉलीडे मिलता है, लीव मिलता है, क्योंकि वो रेडिएशन अगर उससे ज्यादा खा ले तो उसके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। तो ये एक सबसे मेन और सबसे अच्छा बेनिफिट पॉइंट मिलता है हमें हॉस्पिटल की तरफ से, जो कि हमारी सेफ्टी प्रिकॉशन को लेकर होता है। तो तुषार, अब आज की वीडियो में तो मैं आपसे यही सब क्वेश्चन जानना चाहता था, बाकी अगर मेरे कुछ व्यूअर्स के कुछ कमेंट आए तो एक बार आप कोशिश करना कि कमेंट में उनको रिप्लाई करें, उनको बताएं कि क्या बोलते हैं कि कैसे हम रेडियो कर सकते हैं और कैसे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हम बन सकते हैं, क्या क्या मतलब काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि अभी हमारे माइंड में, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो हमने क्लियर करे नहीं है, क्योंकि बच्चे के मन में तो काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो वो अगर वो कुछ कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो आप एक बार ट्राई करना कि आप रेडियोलॉजी के रिगार्डिंग कमेंट्स आप उनको कर सको। ओटी के रिगार्डिंग तो मैं कर दूंगा, ओटी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे करना, अगर रेडियोलॉजी के रिगार्डिंग हो तो भाई से करना, और इनका इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, उस पर जाके भी आप एक बार देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना चाहते हो हॉस्पिटल से रिलेटेड, काफी सारी मैं वीडियो बनाऊंगा, और मैं दिल्ली के फेमस प्लेसेस के भी ब्लॉग्स बनाता हूँ जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। अगर नॉलेज भी लेना चाहते हो और एंजॉय भी करना चाहते हो मेरे चैनल से जुड़े, और भाई एक बार आप भी बोलो क्या पता ये रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की बात मानना चाह रहे हो, क्योंकि ओटी टेक्नीशियन तो कब से बोल रहा है, एक साल से मान नहीं रहे, क्या पता आप बोलो, क्या कर देना, क्या कर देना भाई की यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। हाँ, तो अब भाई ने बोल दिया तो अब रेडियोलॉजी टेक्नीशियन ने बोला है तो इसकी बात तो माननी पड़ेगी, क्यों, वरना आपका एक्सरे कर देगा तो इसलिए बात जरूर माने, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े। सो तुषार, थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो में आए, मैं काफी टाइम से आपका वेट कर रहा था, जैसे आपने मुझे बोला था कि जैसे आप फ्री होंगे वैसे आप आएंगे, और आपने आए भी, तो इसीलिए थैंक यू सो मच मैं आपका कहना चाहूंगा। मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि क्या बोलते हैं आपने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, क्या बोलते हैं कि मैं किसी और को अपनी नॉलेज गेन कर सकूं। जी देखो, मेरा भी यही मेन पॉइंट रहता है कि मेरी नॉलेज, जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं फ्री में किसी को दे पाऊँ, क्योंकि तो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है ना। हाँ, मैंने अभी तो मैंने आपको दी है कि आपकी नॉलेज जा पाए काफी लोगों के पास, क्योंकि देखो कई बच्चे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं मिल पाती और कई कोई गाइडेंस नहीं कर पाता, तो इसलिए मेरा मेन मोटिव रहता है कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू काफी ऑडियंस को गाइड करूं, काफी लोगों को बताऊं कि कैसे कोर्स करें, कैसे करें, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो इसलिए क्योंकि देखो मैंने फेस किया है कि कौन सा कोर्स बेस्ट है, क्या बच्चों को देखा है कि कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे थ्रू भी और बच्चों को भी पता लगे, क्योंकि जैसे हमें गाइडेंस नहीं मिल पाई, क्योंकि हमारे टाइम पे तो कोई था नहीं गाइडेंस देने वाला, तो बट हमने काफी डिफिकल्टी सही, तो मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे भी सही आने वाले या जो भी हमारे व्यूअर्स है वो भी ये डिफिकल्टी सही कि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, उन्होंने कोई गलत कोर्स चुन लिया, तो इसलिए मैंने आपको इन्वाइट किया था कि आप एक बार आए और रेडियोलॉजी के बारे में बताया। और बाकी मैंने और भी एक एमएलटी स्टूडेंट है, एमएलटी में जॉब करता है, वो उसको भी मैंने इन्वाइट करवाया, उसको अपने फ्रेंड को, वो भी मेरा एक फ्रेंड है। तो देखो हॉस्पिटल में जाते हैं तो कॉन्टेक्ट तो बन ही जाते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के लोग, तो वैसे ही मैंने एमएलटी वाले से भी एक कॉन्टेक्ट किया हुआ है। अब देखो जैसे उनके पास टाइम होगा तो मेरी नेक्स्ट वीडियो एमएलटी के ऊपर भी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और टेक्नीशियन या किसी और डिपार्टमेंट की हॉस्पिटल के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंस्टाग्राम आईडी में डालूंगा उस पर बताएं, मैं आपको उनकी भी वीडियोस आपको बना के दूंगा। तो थैंक यू सुधार, थैंक यू तुषार, थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने इतनी सारी ग्रेट नॉलेज दी। थैंक यू सर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।